गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की ओर और हाथ घुटनों पर रहेंगे। मैं आपको शरीर के जिन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने को कहूंगा, वहां आपको अपना ध्यान पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ केंद्रित करना है और मेरी आवाज के साथ ओम का उच्चारण करना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कमर सीधी रखिए, एक नॉर्मल गहरी सांस लीजिए और आहिस्ता करके बाहर छोड़िए। ध्यान गुदा द्वार पर लगाइए, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। यहां हमारा पहला चक्र है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की ओर। अपना ध्यान अपनी जननेंद्री के पीछे स्वाधिष्ठान चक्र पर लगाइए। अपने पूरे ध्यान को अपनी जननेंद्री के पीछे स्वाधिष्ठान चक्र पर लगाइए। अपना ध्यान अपनी नाभि की ओर ले जाइए, जहां पर मणिपुर चक्र स्थित है। अपने पूरे ध्यान को अपनी नाभि की ओर केंद्रित करिए।
ओम। ओम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और शरीर में हो रही हलचल को महसूस करिए। अपना ध्यान अपने हृदय स्थान में लगाइए, जहां पर अनाहत चक्र स्थित होता है। अपने पूरे ध्यान को अनाहत चक्र पे लगाइए, मुस्कुराइए, महसूस करिए। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और सांस लीजिए, आहिस्ता करके छोड़िए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने गले की ओर केंद्रित करिए। अपने पूरे ध्यान को गले पे लगाइए, जहां विशुद्ध चक्र होता है। अपने पूरे ध्यान को दोनों आंखों के बीच, दोनों बोहू के मध्य, जहां पर आज्ञा चक्र स्थित होता है, वहां लगाइए। पूरे ध्यान को पूरी श्रद्धा के साथ अपने आज्ञा चक्र पे लगाइए। महसूस करिए।
अपने ध्यान को अपने सर के ऊपर, अपने पूरे ध्यान को अपने सर के ऊपर मध्य भाग में लगाइए, जहां पर सहस्त्रहार चक्र होता है, और धीरे धीरे शून्य में चले जाइए। महसूस करिए, आनंद करिए। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट, मुस्कुराते मुस्कुराते एक और सांस लीजिए, आहिस्ता करके छोड़िए। मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी दुनिया थी, इतना अच्छा परिवार दिया, सब कुछ इतना अच्छा दिया। और मुस्कुराते हुए जब भी इच्छा हो धीरे धीरे आहिस्ता करके अपनी आंखें खोल लीजिए, और दोनों हाथों को मसल कर अपनी आंखों पर लगा लीजिए।